गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम देखने वाले हैं टू मोनोग्राफ्स जो बिलोंग कर रहे हैं एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक से। हमने ऑलरेडी एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक पढ़ चुके हैं जो दोनों डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। एक्सपेक्टोरेंट क्या है, जो सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि कफ सिरप, दीज आर द मेडिकामेंट्स विच आर यूज टू रिमूव द स्पूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो भी स्पूटम रहता है, थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, तो उसके जो स्केल्स रहते हैं उसको रिमूव करने का जो काम करता है वो एक्सपेक्टोरेंट। सेकंड एंड इमेटिक इज द टोटली डिफरेंट। इमेटिक क्या करते हैं, इंड्यूस द ओमेटिंग करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये कब यूज करते हैं, जब हमने पर्टिकुलर पेशेंट अगर पॉइजन लिया है तो उसका स्टमक एम्प्टी करने के लिए हम इमेटिक मेडिसिन यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी स्टमक में मटेरियल इट विल बी थ्रो आउट बाय द माउथ बाय द ओमेटिंग। तो ये टोटली दो डिफरेंट कैटेगरी के ड्रग्स है, दैट इज द एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक। तो आज हम वही दो कैटेगरी के दो मोनोग्राफ देखने वाले हैं। पहला एक्सपेक्टोरेंट का पढ़ने वाले हैं अमोनियम क्लोराइड और दूसरा इमेटिक का पढ़ने वाले हैं एंटिमनी पोटेशियम टार्टरेट। तो स्टार्ट विद द अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया जैसे नाम अगर आता है आपको तो आपके ध्यान में उसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि जो भी अमोनियम कंटेनिंग कंपाउंड है इट हैविंग अ सम ऑफ द स्मेल ऑर्डर और द टेस्ट। ओके, देन साथ में ये सोल्युबल इन वाटर भी है क्योंकि ये क्लोराइड बोला है। क्लोराइड इज अ सॉल्ट विच विल बी अ सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला से, अमोनिया का फॉर्मूला है NH4 और क्लोराइड का है Cl, तो द कंप्लीट फॉर्मूला इज NH4Cl। ओके, नेक्स्ट इज द सिनोनिम। क्या है इसका सिनोनिम, द सैल अमोनिया, देन सैलमी, देन एमी क्लोर, अमोनियम क्लोर, दीज आर द फोर सिनोनिम ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। तो ये चारों में से कोई भी वन सिनोनिम आइदर में भी MCQ एग्जाम या आइदर में भी राइट द सिनोनिम के क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखिए क्या क्या है, सैल अमोनिया, सैलमिक, देन एमी क्लोर, अमोनियम क्लोराइड, फोर सिनोनिम ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। देन प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला था, व्हाइट स्मेल पाउडर हैविंग अमोनिकल टेस्ट एंड ऑर्डर एंड इट इज द सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल। देन स्टोरेज, पर्टिकुलर सॉल्ट होने के कारण इट इज द सम ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो उसको कहां स्टोर करना है, इट इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज टाइटली क्लोज कंटेनर प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर, ये लिख सकते हैं। देन आएंगे हम यूजेस, तो पर्टिकुलर हमारा फर्स्ट यूज रहेगा, इट विल बी डिपेंड ऑन द चैप्टर यूज और द कैटेगरी यूज, इट इज यूज एज अ एक्सपेक्टोरेंट। फिर एक्सपेक्टोरेंट कहां यूज होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। तो सेकंड हमारा वही रहेगा, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए हम कौन से मेडिसिन या डोजेस फॉर्म यूज करते हैं, तो डोजेस फॉर्म इज द कफ सिरप, सो इट इज यूज इन द कफ सिरप प्रिपरेशन। ठीक है, देखो तीनों जो है वो एक दूसरे से लिंकअप है। एक्सपेक्टोरेंट है, फिर कहां इन्फेक्शन होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। कैसा प्रिपरेशन है, तो कफ सिरप प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक एसिडोसिस ऑल्सो। सिस्टमिक एसिडोसिस मीन्स अगर पूरे सिस्टम अगर एसिडिफाइड हो गया है, तो ये क्या है, अल्कलाइन बिकॉज ऑफ द अमोनिया ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ द क्लोराइड, क्लोराइड इज द सॉल्ट, तो इसलिए वो भी एक सॉल्टी या अल्कलाइन का काम करता है। नेक्स्ट, इट इज यूज एज अ डायरेटिक ऑल्सो। डायरेटिक मतलब सॉल्ट होने के कारण मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम होगा और इट विल बी अ फॉर्मिंग अ बल्क, तो यूरिनेशन मतलब रेट ऑफ यूरिनेशन विल बी इंक्रीज, इसलिए डायरेक्टिक एक्शन भी उसमें है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो मोनोग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट। एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट इट इज द इमेटिंग ड्रग, द फॉर्मूला इज सम ऑफ द डिफिकल्ट, इट विल बी C4H4O7SDK और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरीके से हमको इसका फॉर्मूला रखना है, C4H4O7SDK.5H2। एंड द सिनोनिम इज टार्टर इमेटिक, सिनोनिम बहुत छोटा सा है, दैट इज द टार्टर इमेटिक इज द सिनोनिम। ओके, देन प्रॉपर्टीज अगेन वेरी इजी, व्हाइट स्मेल पाउडर है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड सोल्युबल इन वाटर, में इजी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो कुछ ज्यादा आती नहीं है, फॉर्मूला और सिनोनिम और यूजेस पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। स्टोरेज इज स्टोर्ड इन अ वेलक्रोज कंटेनर, सिंपल स्टोर वेलक्रोज कंटेनर। यूजेस इसके ओनली टू यूजेस है, पहला इट इज इमेटिक, जो ओमेटिक को इंड्यूस करता है, तो नॉर्मली ओमेटिक को जो इंड्यूस करने वाले मेडिसिन वो अदर इसके यूज नहीं होंगे, लेकिन बट इट हैविंग सम स्किन इन्फेक्शन ऑल्सो प्रॉपर्टी।